To 26 of तो सोचा कि दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लाया जाए क्योंकि यूपीएससी दो हजार अठारह के बाद से सत्रह में एक क्वेश्चन अठारह के बाद से पर फोकस कर रही थी तो चलिए फिर कंप्लीट करते हैं इंडियन पॉलिटी को इन दिस तो आज का हमारा सेशन है स्टेट लेजिस्लेचर आपके सामने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स स्टेट लेजिस्लेचर बाई कैमरल यूनी कैमरल लेजिस्लेचर राइट फिर एक एक करके सब चीज़ों को जानेंगे हमारी अप्रोच में खास ध्यान होगा प्रिंसिपल्स मतलब अगर हमने कहा कि बाई तो यार बाई आया क्यों वॉट डज दिस बाई लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट राइट और अभी तक जो आपने इससे पहले वाले लेक्चर से ज्ञान लिया है उसे इंटरलिंक करके भी यूपीएससी क्वेश्चन बना लेती है ट्रैप राइट? तो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बाई का मतलब क्या होता क्योंकि हम राज्य के स्तर पर बात कर रहे हैं कि यार स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या है याद करो इससे पहले पार्लियामेंट का मतलब क्या होता था पार्लियामेंट का मतलब होता था? लोकसभा, एंड प्रेसिडेंट। ऐसा ही क्यों होता था क्योंकि पार्लियामेंट का काम है तो स्टेट के लेवल पर अगर बाई कैमरल लेजिस्टर ले है दो सदन व्यवस्था है दो सदन व्यवस्था बोलते हैं तो इन दिस केस स्टेट असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर ये तीनों मिलकर बनाएंगे आपका स्टेट का लेजिस्लेचर अगर यूनिकल है एक ही है तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर स्टेट लेस्ट 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 ले और गवर्नर क्या आप में से कोई बता सकता है, तो शायद तुरंत आप बताएंगे, सिक्स है सर कौन कौन से बताएंगे देखिए मैं इस फैक्ट पर भी जा रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी फैक्ट पे जा रही है राइट एक क्वेश्चन ऐसा फैक्ट वाला भी पूछ लेती है रही तो याद करने का तरीका क्या हो सकता है कुछ जुगलबंदी याद कर लीजिए कैसे जैसे उत्तर प्रदेश बिहार एडजॉइनिंग है कि नहीं महाराष्ट्र कर्नाटक एडजॉइनिंग है कि नहीं आंध्र तेलंगाना एडजॉइनिंग है कि नहीं तो इस तरीके से आपको जो है ये याद रहेगा एडजॉइनिंग पेयर ध्यान में रखिए तो आई थिंक फिर तो याद रहेगा राइट right. अच्छा अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा बने दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं द स्कोप ऑफ बाई कैमरल एक स्टेटमेंट ये बन जाए दूसरा स्टेटमेंट आ जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द स्कोप ऑफ डॉट लेजिस्लेचर इट इज ओनली इन अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट तो बताइए पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है कोई भी दोनों सही मत बता देना क्योंकि दोनों स्टेटमेंट मैंने अपोजिट बनाई है पहले स्टेटमेंट मैंने कहा कि भाई जो बाइक लेजिस्लेचर है इसका इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पहला स्टेटमेंट यह है दूसरा मैंने कहा कि बाई लेजिस्लेचर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है पार्लियामेंट बाय पार्लियामेंट के लॉ में मेंशन मेंशन है तो पार्लियामेंट हैज इन अ लॉ तो बताइए दोनों में से कौन सा सही है वन सही है टू सही है जल्दी जवाब देना स्टार्ट कर दिए ओनली वन ओनली टू बोथ का ऑप्शन नहीं है बोथ का ऑप्शन लगाना चाहते हो तो आप ही अपना आंसर गलत कराओगे भाई है कि नहीं तो शायद आप कहोगे सर पार्लियामेंट बाय लॉ क्यों लोग लगाया आपने से लॉजिक मुझे पता है ना आपका दिमाग कैसे चल रहा है कई लोगों ने सेकंड बोला होगा सेकंड क्यों बोला आपने आपने कहा सर हम ट्रैप में नहीं आएंगे सेकंड इस वजह से बोला हमने क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही पावर ये तो आपने पढ़ा है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने की और एबोलिश करने की है कि नहीं ये तो पढ़ा हुआ आपने है कि नहीं तो आप कहोगे यानी कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन में नहीं होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन में होता तो फिर सभी स्टेट्स में होता लगाया कि नहीं लगाया आपने ये लॉजिक लगा लिया लॉजिक हो गया दिमाग लगा लिया दिमाग अब जरा आर्टिकल 168 पर नज़र डाल लो जरा स्टेटमेंट पढ़िए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है टू एवरी स्टेट देर शेल बी अ लेजिस्लेचर विच शेल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट्स ऑफ बिहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तर प्रदेश टू हाउसेस इन अदर स्टेट्स वन हाउस तो आप कहेंगे सर व्हाट इज द स्कोला वेरी डी मतलब कि टू स्टेट्स हो सकते हैं वेयर देर आर टू हाउसेज ऑफ द लेजिटिफ स्टेट वन शेल बी नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एज लेजिस्लेटिव असेंबली तो यानी कि आर्टिकल 168 के सब क्लॉज टू पे भी हम जाएं तो यार यहाँ तो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्ड दिया हुआ है तो जिन बागी नौजवानों ने कहा था अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है केवल पार्लियामेंट के लॉ में मेंशन है तो गलत हो गया कि नहीं हो गया मिल गई शांति अब तो नहीं भूलोगे तो मुझे लग रहा है अब तो नहीं भूलोगे तो आर्टिकल 168 सिक्सटी एट सब क्लास टू ये ऑलरेडी मैंशन कर रहा है कुछ लोगों का दिमाग कुछ ऐसे चलेगा कि सर ये क्या है मध्य प्रदेश यहाँ पर मैंशन किया गया है और सर यहाँ तो मध्य प्रदेश मैंशन नहीं है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट अगर लॉ बना भी दे लेजिस्टिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का लेकिन गजट नोटिफिकेशन के थ्रू अगर नोटिफाई ना करे तो इस केस में उस पर्टिकुलर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनेगी नहीं इंटरेस्टिंग पर भी ट्रैप बन सकता है तो देखिए हर एक चीज को गहराई से पकड़ना है। तो आप को नहीं, अब तो नहीं चलो तो फिर आर्टिकल 169 से दिया जाए। अच्छा तो थोड़ा मैं आपको दोबारा क्लियर कर दू कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल क्लास टू और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि भाई देखो अगर बनाना हो या हटाना हो तो पार्लियामेंट मे बाई लॉ बना सकती है और हटा सकती है तो पावर पार्लियामेंट के पास है लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या कहा मैंने कहा मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे में कहा कि मतलब मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है और लॉ में मेंशन है समझ रहे हैं कि ट्रैप क्या बनाया था मैंने तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा चलिए और सिचुएशन बनाते हैं आगे बढ़ते हैं नॉलेज गेन करते हैं तो अब बात यह है कि ठीक है जी अब पक्की बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में है कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि तुम बना सकते हो हटा सकते हो मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट कैसे कर सकती है ये। तो एक सिचुएशन यह है कि जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना हो राइट जैसे कि अपर लेवल पे जैसे कि राज्यसभा होती है भाई राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है होती ही होती है स्टेट के केस में चॉइस दे रखी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ऐसे में जिस स्टेट में बनाना है हटाना हो लेजिस्लेटिव काउंसिल को उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इन दिस रिगार्ड आफ्टर दैट पार्लियामेंट कैन मेक सच लॉ तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है तो आप कहेंगे ट्रू है सर बिल्कुल सही बात है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है मजा अब यहां पर है इसके आगे मजा ये है स्पेशल मेजोरिटी कह के निकल गए आप बात भी सही है लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में अगर घुमाना चाहिए यूपीएससी अगर कहे दट

देखो एक बात तो पक्की है देखो सभी स्टेट में कोई भी स्टेट को स्टेट आप तब कहोगे जब वहां लेजिस्लेटिव असेंबली हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही है स्टेट है तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी पार्ट सिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर करता है ये बिल्कुल स्ट्रक्चर है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी कि नहीं होगी मुद्दे की बात यह है तो मैंने कहा कि देखो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी प्रदेश की जैसे मान लो वेस्ट बंगाल की तो ममता दीदी जी ने तो पास कराया एक रेजोल्यूशन कौन सी मेजोरिटी से लेसरेड असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनका टू बाई थर्ड से ज्यादा प्रेजेंट एंड वोट ठीक थी। है इस मेजोरिटी से पास कर दिया पार्लियामेंट के पास भेज दिया तो नाउ पार्लियामेंट कैन एक्चुअली मेक अ लॉ इन दिस रिगार्ड तो मैं मेजोरिटी में यहाँ पर खेल गया तो अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या मैंने गड़बड़ की थी वहाँ पर ट्रैप मेरा था कि देखो मोर देन फिफ्टी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड टू बाई थर्ड से ज्यादा वो मेजोरिटी जरा पढ़िए जरा लैंग्वेज आर्टिकल 169 स्पेसिफिकली क्या कह रहा है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एबोलिशन और क्रिएशन दोनों के बारे में बताया हुआ है आरीवा समझ में और आप कह रहे थे अभी कि मेंशन ही नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत कह रहे थे नहीं कह रहे थे ये देखिए नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग यहां से पढ़िए पार्लियामेंट मे बाय लॉ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि पार्लियामेंट कानून से

एंड बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस टू बाई थर्ड कितने लोगों को याद आ रहा है यार ये तो मेजोरिटी आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट वाली थी ये तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी हमने कि यार स्टेट लेजि असेंबली में कोई ऐसा केस होता होगा मुझे पता कहीं लोगों का दिमाग ऐसे चलता है उनको वही लग रहा था अब तक कि टू बाई थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से काम हो जाएगा इतना आसान नहीं है ये चाहिए मेजोरिटी तब जाकर होगा और कहाँ पर चाहिए मेजोरिटी स्टेट के लेवल पर एनी लॉ एफर्ट टू इन सब क्लॉज वन शेल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज में प्रोविजन ऑफ लॉ कंटेन सच सप्लीमेंटल अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है बता दूँ आपको पार्लियामेंट के लेवल पर ये जो अमेंडमेंट होगा वो सिम्पल मेजोरिटी से होगा ये जो स्पेशल मेजोरिटी वाला गेम है ये केवल स्टेट के लेवल पर है तो यानी कि अगर किसी स्टेट में लेजिस्टिव काउंसिल क्रिएट करनी हो तो वहाँ पर अगर हम यूनियन यानी कि पार्लियामेंट के लेवल की बात करें तो ऐसा अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर वाला या वैसी मेजोरिटी वाला नहीं कहलाता इस बात को क्लियर कर दिया गया है आर्टिकल 169 के क्लॉज थ्री में मुझे बताओ अब तो गलती नहीं करोगे क्लियर है ये बात ठीक है कंपोजिशन क्या है अब जरा थोड़ा यहां पर आ जाते हैं बोर्ड पे आ जाते हैं ठीक है ना ये आपको क्लियर दिख रहा होगा राइट ये देखिए मान लीजिए किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो थ्री हंड्रेड है ठीक तो थ्री हंड्रेड का वन बाई थर्ड क्या होता है अरे भाई थ्री हंड्रेड का वन बाई थर्ड हंड्रेड होता है तो हंड्रेड से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है क्या किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल की जहाँ लेजिस्टिव काउंसिल है आंसर है हो नहीं सकती ठीक है और मिनिमम का क्या है फोर्टी तो यानी कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है जिस भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का वन बाय थर्ड मैक्सिमम स्लैब यह है लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ का क्योंकि बड़ा भाई समझ लीजिए वैसे तो अपर हाउस तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मानी जाती है जैसे कि राज्यसभा अपर हाउस है लेकिन आप सबको पता है कि लोकसभा की ज़्यादा स्ट्रेंथ राज्यसभा की कम स्ट्रेंथ इसी तरीके से स्टेट के लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली की ज़्यादा स्ट्रेंथ और लेजिस्लेटिव काउंसिल की कम स्ट्रेंथ तो अगर ये एक स्टेटमेंट बना दिया जाए कि इन एवरी स्टेट वेयर

कि लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ जो लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ है उसका जो वन बाय थर्ड है तो असेंबली इतना तो काउंसिल को कहा कि भाई साहब हमसे वाली हाइट पर ही रहना तुम इतना बड़ा नहीं हो ना तुम्हें याद रहेगा आपको मिनिमम फोर्टी राइट और फाइनल पार्ट पावर ऑफ प्रोवाइडिंग कंपोजिशन ये तो आपको बता ही चुका हूँ यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है वही तो बना रही है बाय लॉ लेजिस्लेटिव काउंसिल को राइट right? ये तो सीधी बात है वाली। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे कि भाई साहब काउंसिल के मेंबर चुने कैसे जाते हैं सीधा एक ट्रिक बताऊंगा यहीं के यहीं याद हो जानी आपको ठीक है? एमएलसी के चुनाव की बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ काउंसिल इसके चुनाव की बात कर रहे हैं ठीक है तो होगा क्या वन बाई थर्ड वन बाई थर्ड वन बाई ट्वेल्व वन बाई ट्वेल्व और वन बाई सिक्स बस यही केसेस आप आपको मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मान लो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम टोटल अगर मान लीजिए नाइन्टी है यानी कि टोटल सीट ही भाई पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उस हिसाब से कह दिया कि जो 90 सीट है मैंने कहा था मैक्सिमम वन बाय थर्ड ऑफ द लेज असेंबली स्ट्रेंथ होंगी मैक्सिमम किस लैब ना कम कर लो ज्यादा कम कर लो वन बाई थर्ड से कम कर लो तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल को समझाने के लिए नाइन्टी मान लिया कोई दिक्कत कि भाई लेजिस्टिव काउंसिल जो है स्टेट की जिसको हम स्टेट लेजिस्टिव काउंसिल कहते हैं स्टेट लेजि काउंसिल उसके जो टोटल एमएलसीज होंगे उसमें मेंबर ऑफ लेजि काउंसिल होंगे वो 90 होंगे अरे भाई साहब जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एमएलए बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजि असेंबली विधायक राइट तो एमएलए का तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है क्योंकि आप एमएलए के चुनाव में जो आम जनता है ना ये वोट डालती है राइट right? लेकिन जो एम का इलेक्शन होता है ध्यान रखना ये पार्शली नॉमिनेटेड होता है नॉमिनेटेड पार्शली यानी कि कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं और पार्शली इलेक्टेड होता है पार्शली oh, इलेक्टेड होता है लेकिन इलेक्टेड भी कौन सा होता है इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है ये बात ध्यान रखिएगा यानी कि एमएलसी के इलेक्शन में कभी भी आम आदमी डायरेक्ट वोट नहीं डालता मतलब कि आपको कि सर एग्जाम्पल बताइए चलिए मैं आपको बताता हूँ जो मैंने इलेक्शन बोला पार्शियल इलेक्शन तो इस पार्शियल इलेक्शन में कौन वोट डालता है इस बात को समझिए क्योंकि इसमें पार्शियल इलेक्शन में आम जनता में से कुछ ही लोग डाल पाते हैं या कुछ आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव ही डाल पाते हैं मतलब एक इंटरेस्टिंग ट्रैप आ रहा है दिमाग में मज़ा आ जाएगा अगर वो कह दे कि एमएलसी के इलेक्शन में मतलब केवल जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स केवल वही वोट डाल सकते हैं एमएलसी के इलेक्शन में तो क्या वो सही होगी बात नहीं होगी सही क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव वोट डालते हैं एमएलसी के इलेक्शन में लेकिन वो केवल वन बाई थ्री वन बाई थ्री पर डालते हैं

भाई आम जनता ने चुना एमएलए को मेजोरिटी ऑफ एम से सरकार बनती है ना अगर 50 परसेंट से ज्यादा विधानसभा में आपकी पार्टी के आपके कोलिशन के एम हैं तभी तो आपकी सरकार बनती है तो वो जो एम हैं वन बाय थर्ड सीट पे तो वो वोट डालेंगे क्लियर है बात वन बाय थर्ड सीट पे वोट डालेंगे आपके लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडीज मतलब जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आपके रिप्रेजेंटेटिव जैसे म्यूनिसपैलिटीज में आपके रिप्रेजेंटेटिव है ना तो ये लोग वोट डालेंगे कोई वो दिक्कत तो यानी कि यार आपको नहीं लग रहा कि अगर याद करने के लिए हम ट्रिक बनाए तो ये भी पॉलिटिशियन और ये भी पॉलिटिशियन क्योंकि ये भाई पंचायती राज और लोकल बॉडीज वाले हैं है ना म्यूनसिपैलिटीज वाले ये लोग वोट डाल रहे हैं तो इसमें तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डाल रहे हैं अब जो 1/12 1/12 सीट है यानी कि 90/12 और 90/12 इस पे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले मतलब पढ़ने वाले का मतलब है ग्रेजुएट्स यानी कि अगर आप उसी स्टेट के ग्रेजुएट हैं तीन स्टेट तीन साल से आप वहीं रह रहे हैं और आपको जो इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन है उसने एमएलसी के इलेक्ट्रल रोल में आपका नाम शामिल कर लिया है राइट right? तो आपको पता लगेगा कि भाई ये इलेक्शन है यूनिवर्सिटी में पोलिंग बूथ लगा हुआ है जाओ वोट डाल दो आपको इलेक्ट्रल रोल में शामिल किया हुआ है और वन बाई ट्वेल्थ सीट पे होता है टीचर्स लेकिन ये टीचर्स जो हैं सेकेंडरी लेवल से नीचे नहीं होने चाहिए नॉट बिलो सेकेंडरी लेवल कई बार हम ये छोटी छोटी डिबेट जो यू कैन से बारीकियां होती हैं उनको छोड़ देते हैं और यूपीएससी आपको वहीं लपेट लेती है ठीक है तो ट्रैप नहीं होना उसमें तो इसमें याद करने का तरीका क्या है यार ये पढ़ाने वा, ये पढ़ने वाले हैं एजुकेशन वाले और ये पढ़ाने वाले हैं पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ये लोग वोट डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं अब जो बचे वो केवल 1/6 सीट बची है यही सीट बची है 1/6 1/6 मतलब 90/6 यही सीट बची हुई है तो ऐसे में इन पर कौन वोट डालेगा क्योंकि अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो by तो सीट सीट। पूरी हो गई। इस पे कोई वोट नहीं डालता by पे। ये होती है नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड। और कौन नॉमिनेट करेगा? याद करो जैसे राज्यसभा के स्तर पे सीट नॉमिनेटेड होती हैं, तो प्रेसिडेंट राजसभा तो पर गवर्नर डोमिनेट करेगा तो यानी कि अगर आपका जुगाड़ एमएलसी की पोजीशन पे यहां से कहीं से नहीं हो पाया तो सीएम साहब की कृपा से आप बन सकते हो सीएम साहब कहेंगे अलॉन्ग पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज एम नॉमिनेटेड एज एमएलसी तो गवर्नर कहेंगे ठीक है भाई तुम्हारी एडवाइस पर ही बनाएंगे तो नॉमिनेशन ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आपको बना देंगे एमएलसी सीएम साहब ठीक है अब क्या कोई क्वालिफिकेशन है नॉमिनेटेड की बताइए अगर कह दिया जाए कि नॉमिनेशन ऑफ एम एल सी आर डन एग्जैक्टली इन द सेम कैटेगरी फॉर द सेम कैटेगरी एज ऑफ राज्यसभा एम पी बताइए ट्रू और फॉल्स तो शायद कुछ लोग कहें सर ये तो फॉल्स लग रहा है बिल्कुल सही पकड़े हो आप फॉल्स ही है कारण देखो लिटरेचर आर्ट साइंस साइंस और सोशल सर्विस याद आ रहा है कुछ लिटरेचर आर्ट साइंस सोशल सर्विस ये चार क्राइटेरिया होते हैं किसके लिए राज्यसभा एमपी के नॉमिनेशन के चार क्राइटेरिया होते हैं चार प्लस कर दो वन वन कौन सा अरे भाई साहब स्टेट के लेवल पे एक और क्राइटेरिया होता है वो होता है मूवमेंट देख रहे हैं क्या वैल्यू दी है कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर आपने कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाया है कंट्रीब्यूट करा है तो कोऑपरेटिव से सहकारिता से कितने सारे लोगों का जीवन बदला जा सकता है तो ऐसे में इस वजह से आपको नवाजा जा सकता है एमएलसी की पोजीशन से अगर कृपा किसकी रही सीएम एम की रही जो सीएम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल के सी उन्होंने गवर्नर को कहा तो ऐसे में वन बाई सीट पर आप बन जाओगे एम इसमें कोई दिक्कत अगर कभी भी अपॉइंटमेंट से मतलब मेम्बरशिप से क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं लगता होगा आप गलत करोगे ट्रिक याद रखना ये पॉलिटिशियन है ये पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं और वन बाई सी आपकी नॉमिनेटेड है कोई कोई दिक्कत को दिक्कत तो नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर तो ये बात हो गई क्लियर पार्शली नॉमिनेटेड ये हो गया आपको क्लियर अब बात आती है लेजस्टेटेड असेंबली की ध्यान रखना कि टोटल जो सीट्स हो सकती हैं लेजस्टेट असेंबली में फाइव हंड्रेड हो सकती हैं मैक्सिमम फाइव हो सकती हैं और मिनिमम सिक्सटी हो सकती हैं लेकिन एक्सेप्शन भी है जैसे गोवा जैसे मिजोरम चालीस सीट ठीक है और वोटिंग होती है मतलब एमएलए के, के केस में ध्यान रखना देखो अभी मैंने एमएलसी का बताया अब भाई एमएलसी वाला सिस्टम तो केवल छह ही राज्यों में है बाकी हर एक स्टेट में इन एवरी स्टेट एवरी स्टेट अगर हम कह रहे हैं स्टेट तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी ही होगी क्योंकि इसी के चुनाव से तो स्टेट लेवल की राज्य लेवल की सरकार बनेगी है कि नहीं क्योंकि इसमें आएंगे एम और फिफ्टी परसेंट से ज्यादा ऑफ स्टेट असेंबली जिस भी पार्टी के पास आ जाएंगे सीट सीट या के पास आ जाएंगे seat, तो बना लेगी सरकार ध्यान रखना यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है बता चुका हूं आपको राइट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर यह होता है यानी कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो सरकार आप में इतना विश्वास करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विश्वास कर रहा है कि भाई देश का सबसे बड़ा डिसीजन तो आप ले ही सकते हो बाकी कोई डिसीजन ले पाते हो ना ले पाते हो लेकिन सरकार किसकी बनेगी चाहे केंद्र के लेवल की बात करें राज्य के लेवल की आप बखूबी मतलब तैयार हो आप बिल्कुल तो ऐसे में डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ पर एम चुने जाते हैं कोई दिक्कत आप कहोगे सर एग्ज़ाम्पल लेके बता दो एग्जाम्पल तो बता ही देंगे कुछ ट्रैप बताया जाए तो मज़ा है स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट है

तो उत्तर प्रदेश को आपने डिवाइड कर दिया टेरिटरी को डिवाइड कर दिया अलग अलग टेरिटोरियल में तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है कि आपने टेरिटरी बनाई है एक पर्टिकुलर टेरिटरी बनाई है कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से एक एमएलए चुनकर आएगा तो आपने क्या करा चलो दूसरे कलर से बना लेते हैं अच्छा लगेगा फिर ये लीजिए लाल रंग हो गया आंदोलन का लीजिए ठीक और कलर कर लेते हैं कोई और ये दीजिए ये एक एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिटुएंसी हो गई तो ध्यान रखना हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिटुएंसी से एक एमएलए ही चुना जाएगा ठीक कैंडिडेट अलग अलग हो जाएंगे फाइट करेंगे इलेक्शन लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगी वो बन जाएगा एमएलए कोई दिक्कत तो हमने क्या करा पूरे एरिया को पूरी स्टेट की कैटेगरी टेरिटरी को ये स्टेट है हमारी पूरे स्टेट को हमने डिवाइड कर दिया क्या स्टेट की कोई भी टेरिटरी ऐसी हो सकती है जहां पर कोई उनका एमएलए ना हो हो नहीं सकती क्लियर है बात क्योंकि पूरे स्टेट को हमने वेरियस टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया अच्छा मुझे बताइए जो टेरिटोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र जहां से लोग वोट डालते हैं और चुनते हैं कि यार ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है तो ये एरिया पर डिपेंड होती है क्या कि भाई सबका एरिया बराबर होना चाहिए पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है बताइए ध्यान रखना पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है आंसर इज पॉपुलेशन एरिया नहीं पॉपुलेशन इसका मतलब क्या हुआ मतलब बता देते हैं देखो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यार ऐसा हो सकता है क्या कि इस पूरे एरिया का एक ML ले हो राइट और इस वाले एरिया का एक ML ले हो इस वाले एम एल के साथ तो ज्यादती होगी मतलब इतने से एरिया का एक एम एल और ये इतने बड़े एरिया का एक एम एल हो सकता है कारण ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला जो एरिया है इसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती हो होता है ना कुछ रीजन स्पार्सली हैबिचुएटेडि मतलब जिसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती हो है ना और ऐसा भी हो तो सकता है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो है ना तो दैट्स द बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन क्लियर है अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया In every state of India, there can be representation in state लेजि assembly only on the basis of टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी तो ट्रू है कि फॉल्स है बताइए तो शायद कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें सर लग रहा है सर ये तो ट्रू ही है सर एम की बात है सर कुछ लोग लगा लगाएंगे दिमाग मुझे पता है कि सर वो एक एंग्लो इंडियन का भी तो होता था सर भाई साहब बहुत पुरानी बात कर रहे हो आप अपडेट नहीं हुए आप यानी कि देखो ऐसा होता था कि हर एक स्टेट की असेंबली में जो एक सीट होती थी वो एंग्लो इंडियन के लिए होती थी वो नहीं होती अब भाई एंग्लो इंडियन के लिए वो होती थी नॉमिनेटेड समझ रहे बात लेकिन वो अब नहीं होती क्यों नहीं होती

सिक्किम में आप देखोगे कि एक सीट जो है वो आपको मोनेस्ट्री की सीट मिलेगी दैट सीट संघा सीट उसको कहते हैं संघा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट वो एक्सेप्शन है तो जब भी यूपीएससी पॉलिटी में बनाए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एब्सोल्यूट वाले हों तो आपके एंटीने ओपन हो जाने चाहिए कि यार इसमें कुछ दाल में काला तो नहीं है तो एक्सेप्शन के बारे में साथ में तैयार रहना है तो कहीं गलत कर देंगे आप है ना जब मैं एक्सेप्शन भी बता के चल रहा हूँ आपको

ड्यूरेशन कितनी होती है दोनों की बात कर लेते हैं साथ ही साथ है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी कर लेते हैं की भी कर लेते हैं देखिए जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो कि छह राज्यों में उसकी जो टेनर होता है पता है कितना होता है कुछ नहीं होता है आप कहोगे टेन्योर मतलब टेन्योर नहीं होता नहीं होता जो नहीं होता जो बताएंगे आपको जो स्टेट उसका टेनर कितना होता होता है इसका टेनर होता है पांच साल यानी कि साल के बाद चुनाव होने जी विधानसभा के हर एक स्टेट में होता है कि नहीं होता आपके स्टेट में भी होता होगा तो आप कहेंगे सर इसका टेनर क्यों नहीं होता अरे वही लॉजिक है राज्यसभा वाला राज्यसभा का इक्वल है ये स्टेट के लेवल पे मान लीजिए तो क्यों नहीं होता क्योंकि ये है परमानेंट हाउस हाउस और ये क्या है ये है हाउस तो भाई हाउस है तो यानी इसका समय ज्यादा थोड़ा चलेगा पांच साल अब फिर चुनाव कराओ ठीक है लेकिन ये परमानेंट हाउस है परमानेंट हाउस का क्या मतलब है तो यानी कि यहां पर जो हमने इलेक्शन की बात की जो नॉमिनेशन की बात करी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सबके सब, सब वहां पर चुनाव हो रहा है सबका नॉमिनेशन होता है ऐसा नहीं होता सेम वही लॉजिक होता है याद करो जो राज्यसभा के केस में आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में हर दो साल बाद एवरी टू ईयर्स होता क्या है वन बाय थर्ड जो सीट होती है उसको हम फिल करते हैं तो अगर हर दो साल बाद वन बाय थर्ड सीट फिल हो रही हैं तो मुझे बताओ खुद ही जो एमएलसी होगा

तो टोटल जो है छह साल याद रखना एमएलसी का कार्यकाल छह साल जैसे कि राज्यसभा एम का कार्यकाल छह साल कोई दिक्कत क्लियर है भाई ये तो अच्छा जी स्टेट असेंबली में जो एमएलए तो देखो भाई एम आप भाई पांच साल क्या इससे पहले भी ये जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं अगर लोक अगर ये स्टेट लेजि असेंबली ही भंग हो गई डिजॉल्व हो गई तो चले जाएंगे रिलेक्शन होंगे चलो एक इंटरेस्टिंग सिस्टम इसमें एक पॉइंट बनाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कोई टेनर होता नहीं है तो भाई परमानेंट रहेगी रहेगी अब क्योंकि ये टेम्पररी है जा सकता है पांच साल बाद तो मान लीजिए एक सिचुएशन बनाते हैं सिचुएशन है नेशनल इमरजेंसी की ठीक तो हम क्या कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी वाले चैप्टर को उसके लॉजिक को इसमें इंटरलिंक कर रहे हैं कि उस केस में क्या होगा ठीक नेशनल इमरजेंसी याद है आपको अंडर आर्टिकल थ्री नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेनर को बढ़ाया जा सकता है यानी के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेनर है क्या वो एक्सटेंड किया जा सकता है तो आप कहेंगे किस खुशी में अरे खुशी वाली बात नहीं है बात ये है कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है पांच साल इनके पूरे हो गए इनके चुनाव होने थे लेकिन मान लीजिए चुनाव जैसे हालात ही नहीं है देश में कहां से चुनाव करा दें तो उस टाइम पर इनका क्या करें इनको बने बने रहने बने रहने दें स्टेट में? है। है? तो में कितना एक्सटेंड हुआ सिक्स ईयर बताइए आंसर सिक्स मंथ्स और वन ईयर पहले इंक्रीज कौन करेगा पार्लियामेंट करेगा ध्यान रखना पार्लियामेंट करेगा ठीक एक बार में एक साल ईयर एट अ टाइम ठीक है ये तो याद रहेगा ईयर एट अ टाइम बता दिया देखो मैंने आप कई बच्चे इसमें छह महीने सोचते हैं पता है क्यों वो कंफ्यूज हो जाते हैं उन्होंने पढ़ा होता है कि भाई अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट से उसको एक्सटेंड कराना पड़ता है हर छह साल बाद तो इसी लॉजिक को वो

एंड हो गई नेशनल इमरजेंसी एंड हो गई ठीक नेशनल इमरजेंसी का केस पढ़ रहे हैं? तो यहां से छह महीने का समय सिक्स मंथ के टाइम में आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा कहां पर अरे जिसको एक्सटेंड कराया आपने यानी कि स्टेट लेजि असेंबली के इलेक्शन कराने पड़ेंगे छह महीने में जैसे ही ये नेशनल इमरजेंसी एंड हो जाए कोई दिक्कत बिल्कुल करा लेंगे जी जब नेशनल इमरजेंसी एंड हो गई तो सिचुएशन लगभग लग नॉर्मल लग रही होगी तो ठीक है जी छः महीने में करा लेंगे इलेक्शन राइट अब बस एक क्वेश्चन हो रह गया यहाँ से फिर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा सारे लॉजिक क्वेश्चन ये है कि नेशनल इमरजेंसी अगर देश में लगी हुई है ही तो मैक्सिमम कितने टाइम तक आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेनर को बढ़ा सकते हो टिल हाउ मेनी ईयर्स स्टेट लेजिस्टिव असेंबली टेनर कैन की कैन बी इंक्रीज बाई पार्लियामेंट ड्यूरिंग द्लीकेशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 अगर थ्री टू कहते हैं नेशनल एमरजेंसी लगी हुई है तो ऐसे में स्टेट लेजि असेंबली के टेनर को कितनी टाइम तक बढ़ाया जा सकता है बताइए क्या बात कहेंगे आप तीन साल दो साल छः साल बताइए क्या श्रद्धा जो भी आपकी श्रद्धा हो बताइए पॉलिटी में श्रद्धा नहीं चलती पॉलिटी पॉलिटी में लॉजिक चलता है प्रोविजन चलते हैं तो कुछ कुछ बता रहे हैं आप लोग लेकिन आंसर बताए है क्या है आंसर है कोई लिमिट मेंशन ही नहीं की गई तो पता है कब तक जब तक है नेशनल इमरजेंसी तब तक जो है बढ़ाया जा सकता है तो कुल मिलाकर बात यह कि मैक्सिमम स्लैब जो मैक्सिमम टाइम है ये मेंशन ही नहीं किया गया नॉट मैं बच्चे ना इसको रटने की कोशिश करते हैं मैं कहता हूं पॉलिटी को बिल्कुल मत रटो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स भी तो हमारे आपके जैसे इंसान थे तो जो भी प्रोविज़न उन्होंने डाला होगा कोई लॉजिक से ही डाला होगा अगर रटने में रहोगे तो कितना रटोगे पॉलिटी को लॉजिक पकड़ लो हर चीज़ का आप कहोगे इसका लॉजिक बता दो सर फिर आप लॉजिक सुनिए अगर नेशनल एमरजेंसी लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ ऑन वॉर विद एनी नेशन एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या आर्म रेबेलिन हो गया देश के लोग हथियार उठाकर जो है सिस्टम को पलटने में लगे हुए हैं तो मुझे बताइए ऐसे में जब देश में नॉर्मल हालात ही नहीं है तो कोई लिमिट हो सकती है क्या कि कब इलेक्शन कराएंगे कोई लिमिट ही नहीं हो सकती यह हालात जब नॉर्मलाइज हो जाएंगे तब हो जाएगा तो इसी वजह से इस केस में कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई थी कई बच्चे पता है कंफ्यूज क्या होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल तीन सौ छप्पन से नेश जब वो इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ते हैं आर्टिकल तीन सौ छप्पन वहाँ पर पढ़ते हैं अच्छा तीन साल की लिमिट वही हर जगह चिपका देते हैं भाई साहब वो प्रेजिडेंट रूल है प्रेजिडेंट रूल के कंडीशन अलग होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेक हो गई स्टेट में उसकी बात है यहाँ नेशनल इमरजेंसी की बात है देश वॉर पे है या एक्सटर्नल एग्रेशन है या आर्म ड्रबेलिन है सिचुएशन समझ रहे हो सिचुएशन बहुत गड़बड़ है देश की तो इस वजह से पता ही नहीं ना दूसरे के साथ हम वॉर पे हैं क्या कोई गारंटी दे सकते हैं भाई तीन साल में तो वॉर खत्म हो ही जाएगा नॉर्मल सिचुएशन हो ही जाएंगी ऐसा कैसे कह सकते हो दुनिया में ऐसे ऐसे वॉर हैं आठ आठ साल चले हैं बारह बारह साल वॉर चले हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि कब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और कब इलेक्शन करा लोगे तो लॉजिक पकड़ा आपने इस वजह से मेंशन ही नहीं किया गया नेशनल इमरजेंसी के किस में और यहीं पर आपको बता दूं लोकसभा का टेनर भी कब तक बढ़ाया जा सकता है कोई मेंशन नहीं किया गया यहां पर कब तक बढ़ाया गया कोई मेंशन नहीं किया गया क्लियर है बात क्लियर है चलिए जी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो ये तो आपने पढ़ लिया टेनर आपने पढ़ लिया और जो लेजिस्टिव असेंबली होती है उसको गवर्नर डिजोल्व कर सकते नहीं कर सकते कर सकते हैं जैसे लोकसभा वाले पार्ट में पढ़ाया था आपको कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर हेडिंग काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर कह दें कि प्रेजिडेंट साहब लोकसभा को कर दीजिए डिजॉल्व अब कराइए इलेक्शन तो इलेक्शन हो जाते हैं इंदिरा गांधी जी ने कराया था जैसी हमारी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल जो नेशनल इमरजेंसी है वो 75 से 77 तक चली थी इमरजेंसी खत्म करी इलेक्शन करा लिए टाइम से पहले इलेक्शन कराने की बात कही उन्होंने तो ऐसा ही यहाँ पर भी कराया जा सकता है तो यानी कि किस किस केस में आपकी असेंबली डिजोल्व हो सकती है तो अगर गवर्नर डिजोल्व करना चाहे कर सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सीएम या फिर अगर ऐसा हो जाए कि जो अभी सीएम एम हैं जिनकी सरकार है उनके पास मेजोरिटी नहीं रही भाई स्टेट लाइजेट असेंबली में लोग ही छोड़कर चले गए उन्हीं के लोग राइट कुछ बात समझ में आ रही है आपको ठीक है कब अगर लोग मतलब अगर मेजोरिटी सपोर्ट उनके पास नहीं रहा पार्टी में हो गया स्प्लिट और कोई भी अल्टरनेटिव सरकार नहीं बन पा रही है तो उस केस में डिजोल्व करेंगे अगर अल्टरनेटिव कोई सरकार बना दे जैसे कि टैलेंट दिखाया गया महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में टैलेंट देखा ना आपने शिवसेना के लोग टूट कर कहाँ चले गए बीजेपी के साथ चले गए वहां पर सरकार बना ली वहां पर डिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी क्यों क्योंकि अल्टरनेटिव मेजोरिटी प्रूव कर दी लेकिन अगर कोई अल्टरनेटिव मेजोरिटी प्रूव ही नहीं कर पा रहा फिर तो डिजोल्व करना पड़ेगा क्या ही करें है ना तो ये बात तो हो गई आपको क्लियर ये बात आपको बता दी कैसे होता है इनका इलेक्शन ठीक है अब बात है कि डिसक्वालिफिकेशन कैसे होता है सेम वही वाला केस है जो आपको बताया था इन केस ऑफ लोकसभा याद करो लोकसभा के केस में क्या बताया था कि देखो जी तीन तरीके से इसको भूल जाओ पहले आप मुद्दे को ध्यान रखो मतलब पूरी पॉलिटी आपके दिमाग में स्ट्रक्चर में होनी चाहिए तीन ब्रॉड कैटेगरी हैं जिससे कि आपके एमएलए आपके एम आपके एमएलसी वो अपनी पोजिशन से रफ्ता रफ्ता हो सकते हैं डिस्कालीफाई हो सकते हैं ठीक क्या क्या है तीन कैटेगरी है किसकी ब्रॉड कैटेगरी डिस्कवालिफिकेशन की एक तो जो में में है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बात कर रहा हूं उन प्रोविजंस की जो एक्सप्लेटली डिस्कालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे क्वालिफिकेशन वैसे डिस्कालिफिकेशन आप कहोगे मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला केस है अगर कोई अनसाउंड माइंड वाला केस है अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट वाला केस है तो भाई सब इनको कैसे बनने दें या सिटीजनशिप थी सिटीजनशिप दूसरे देश की ले ली तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अनसाउंड माइंड दिमाग ही खराब हो गया भाई और कोर्ट ने प्रूव कर दिया तो पागल हो गए तो कैसे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे आपके वो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट दिवालिया हो गए अब दिवालिया हो गए हैं यानी कि उनके पास इतना इन पर इतना उधार है कि नोन सोर्सेज ऑफ इनकम और एसेट से भरपाई नहीं हो सकती तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हो क्या इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का नहीं कर सकते अब क्योंकि क्वालिफिकेशन में सिटीजनशिप जरूरी है और आप यूएस गए थे और वहीं पर आपने मान लो शादी कर ली और आपने कहा इंडिया में तो किसी को पता नहीं लगेगा वापस आके एम एल एम एल तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारी असेंबली है ना तो आपको कही आपका टाइम पूरा हो गया क्यों क्योंकि जैसे ही आपने वहाँ की सिटीजनशिप ली तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारी एम्बेसी से वेरीफाई भी तो करती है और एम्बेसी वेरीफाई अगर आप एम हैं तो आपका जो डेटा है वो हमारे पास भी आता है इन्फॉर्मेशन तो ऐसे में अब आप नहीं रहेंगे एम राइट तो ये तो हो गए वो केसेज जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मैंशन ही कर रहा है भाई फिर आपके टेंथ स्केड्यूल है

जैसे कि आर पी एस एक्शन एट कुछ याद आ रहा है लेली थॉमस केस कुछ आई थिंक रिंग हो रही हूँ दिमाग में बेल अगर दो साल से ज़्यादा दो साल दो साल से ज़्यादा का आपको कन्विक्शन हो गया किसी केस में अदालत ने सुना दी है सज़ा तो अगर आप हैं एम तो आपको गौरव प्राप्त होगा कि आपको कहा जाएगा कि अब आप बस बोरिया बिस्तर बांधो निकलो अब आप एम नहीं हो राइट और कब तक नहीं रहो जब तक कि आपकी वो सज़ा है प्लस छः साल और जोड़ लो तब तक आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते तो ये जो कृपा पर होगी डिस्क्वालीफिकेशन की वो आरपीए के थ्रू होगी और भी अन्य प्रोविजंस भी हैं आरपीए में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं डिस्क्वालीफिकेशन क्राइटेरिया तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें ध्यान रखना सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए साथ में अगर आपको बन्ना एमएलए तो 25 साल एज और एमएलसी तो 30 साल एज कितने लोगों को क्लियर हो गया है कि यार ये तो वही सेम क्राइटेरिया जैसा है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का क्राइटेरिया है बिल्कुल सही बात याद आई आपको लोकसभा के केस में मिनिमम एज मतलब मैक जो आपका मिनिमम एज है वो पच्चीस साल और राज्यसभा केस में मिनिमम एज तीस साल अच्छा मैक्सिमम एज कितनी होती है एम बनने के लिए या एमएलसी बनने के लिए मैक्सिमम एज मैक्सिमम बताइए देखिए मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है एक ही क्राइटेरिया है जब तक है जान और जब तक है आपको सपोर्ट तो जब तक जान है आप में और जब तक आप बन सकते हो भाई हिम्मत है आप में सपोर्ट मिल रहा है आपको तो बन जाओ लेकिन मिनिमम केवल क्राइटेरिया दिया हुआ है पच्चीस साल और तीस साल कोई दिक्कत अच्छा क्या क्वालिफिकेशन का कोई अदर क्राइटेरिया भी बनाया जा सकता है विच इज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बनाया जा सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि क्वालिफिकेशन डिस्कालीफिकेशन के अदर क्राइटेरिया बनाने के लिए पार्लियामेंट हैज़ है पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड एंड टेकिंग दिस पार पार्लियामेंट है लेकिन फिर उसमें कुछ चीजें रह गई थी तो इस वजह से फिर वो डिटेल प्रोविजन बनाए गए 1951. तो इसी वजह से आप दो आर दो पर्टिकुलर केस यहाँ पे दो आप लॉज पढ़ते होंगे आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी आर पी एन फिफ्टी वन कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं उन्हें लगता है यार फिफ्टी या फिफ्टी मिनट से कौन सा सही है भाई सब दोनों सही है फिफ्टी बनाया गया था फिर उसको एलिब्रेट किया गया था फिफ्टी वन क्लियर है बात

तो आप अगर भाई एम हैं तो गवर्नर आपको डिस्कालीफाई करेंगे राइट और गवर्नर को रिकमेंड कौन करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा ठीक है ना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐसी रिकमेंडेशन के आधार पर ही गवर्नर फैसला लेंगे ठीक है तो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर रहेगी ठीक है पावर इलेक्शन कमीशन के पास रहेगी लेजिलेटिव प्रोसीजर क्या है अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जरा इस पर आ जाते हैं क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लेजिसलेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस बात यस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर किसके लेवल पर स्टेट के लेवल पर ठीक तो लेजिस्टिव प्रोसीजर का मतलब होता है लॉ मेकिंग कैसे होती है जी तो लॉ मेकिंग कैसे होती है पहले तो पता लगे कौन सा केस मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और आपके गवर्नर ठीक तीनों है जी तीनों मिलकर बनाएंगे लॉ मतलब सर्किट पूरा होना चाहिए कुल मिलाकर बात यह है ठीक है दोबारा रिपीट कर दूँ सर्किट पूरा होना चाहिए मतलब आप इसमें बिल का केस होता है जैसे कि मनी बिल ठीक और दूसरा केस बना देते हैं देखिए कितना आसान कर दूंगा मैं आपके लिए एक ही जगह पर लिख दूंगा सब कुछ ध्यान देना या फिर अदर बिल अदर यानी कि ऑर्डनरी बिल भाई सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ना आ जाएगा यहाँ पर अदर मतलब ऑर्डिनरी कैटेगरी के बिल ऑर्डिनरी बिल ठीक तो नाउ एस एल ए की बात करते हैं तो जो मनी बिल होता है वो केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है ठीक केवल यहीं पर इंट्रोड्यूस हो सकता है ओनली हियर इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड सेम वैसा ही तो केस है जैसे कि मनी बिल इन केस ऑफ लोकसभा राज्यसभा केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है ऑन द प्रायर ऑफ प्रेजिडेंट हो सकता है वहां पर पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर होता है यहाँ पर। money bill, money bill है मनी मनी बिल बिल कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है लोकसभा के केस में लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है इस केस में मनी बिल मनी बिल है मतलब कोई बिल मनी बिल है कि नहीं इस केस में स्टेट असेंबली का स्पीकर डिसाइड करता है कोई बड़ी बात सेम है कि नहीं है

गवर्नर ने करे साइन जैसे शशांक त्यागी तो क्या बन गया एक्ट बन गया राइट right? लेकिन आप कहोगे सर जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता कई बार सरप्राइज भी मिल जाता है लाइफ में तो अगर मान लीजिए स्टेटिव असेंबली कहने लगी नो तो क्या होगा सर देखिए स्टेट असेंबली के पास इतनी हिम्मत है नहीं कि वो नो कहते ठीक है ना तो इनके नो से कुछ होने नहीं वाला क्योंकि मनी बिल का केस है ये

मुद्दा इन पे है मतलब जो स्टेट लेजिस्टिव असेंबली है वो ना माने या ना माने इन पे है तो अगर स्टेट लेजिटेट असेंबली ने कहा ओहो oh, 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 क्या बात है हम तो भूल ही गए थे इतनी अच्छी बात आपने जो रिकमेंड कर दी है चलो हम मान लेते हैं आपकी बात तो स्टेट लेजिस्टेट असेंबली ने मान ली उसके बाद पास माना जाएगा गवर्नर साइन करेंगे बन जाएगा एक्ट तो दो केस हो गए तो केस नंबर वन केस नंबर टू अब आप कहेंगे सर कुछ और भी हो सकता है क्या और भी हो सकता है कई बार लोग ऐसा भी तो करते हैं ना हाँ बोलते हैं ना बोलने की हिम्मत मान लीजिए रख नहीं पा रहे कुछ रिकमेंडेशन आपको दे नहीं पा रहे इम्प्रूवमेंट की उन्होंने आपको अटका रखा है समझ रहे हो ना, ना? अटका रखा है नो एक्शन ना हाँ है ना ना है ना आपको सुधार के लिए कुछ कहा जा रहा है और आप भी कश्म कश्मे हो कि क्या ही चल रहा है जिंदगी में तो यहाँ पर नो एक्शन वाला क्राइटेरिया है तो नो एक्शन के केस में क्या है देखो ये आपकी लाइफ नहीं है आपकी लाइफ में तो नो एक्शन मतलब हुई आपकी लाइफ लेकिन यहाँ बिल का केस, तो स्टेट केस, केस में, के चौदह को अटका, अटका तो कोई जवाब नहीं दिया और आप सबको पता 14 love, है ना तो मान लिया जाएगा नंबर ऑफ लव यानी कि आप चौदह दिन तक अगर ना नहीं कर रहे ना तो यानी कि आपकी नजरों में हाँ है साइन हो जाएगा और ये बिल पास हो जाएगा तो कुल मिलाकर स्टेट लेजिस्टिव कौंसिल के पास पावर है नहीं ठीक है ना विद रेस्पेक्ट टू मनी बिल कोई दिक्कत तो यही तीन केस है ये तीसरा केस है कोई दिक्कत इस तरीके से ये प्रोसीजर है विद रेस्पेक्ट टू मनी बिल अब आप कहोगे सर ऑर्डिनरी बिल के केस में बता दीजिए इसके केस में बता देते हैं इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं लीजिए तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो इंट्रोड्यूस कहाँ हो सकता है क्या केवल स्टेट लेजिलेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होगा नहीं यानी कि अगर मैं इंट्रोड्यूस की बात करूं इंट्रोड्यूस की बात करूं तो भाई साहब एस में भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और एस में भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा दोनों जगह इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो चलो इसको हम कर देते हैं कि यहां भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो सकता है ठीक है तो और भी लिख देते हैं लोग और मतलब दोनों में से कहीं पर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा इंट्रोड्यूस का मतलब होता है शुरुआत क्या कोई प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर की जरूरत है नहीं यार ऑर्डनरी बिल की बात है क्या इंट्रोड्यूस रिकमेंडेशन इसमें राइट तो मान लीजिए बिल इंट्रोड्यूस हुआ एस में सारे केस कर लेते हैं एक ही जगह पर ठीक है तो आपने कहा सर वहां पर तो आपने इनसे इंट्रोड्यूस करा दिया इधर से इंट्रोड्यूस करा दो लो आपकी बात मान ली मैंने लीजिए ये है ऑर्डनरी बिल ठीक ओ बी एस एल सी से इंट्रोड्यूस हुआ इंट्रोड्यूस होकर ये यहाँ से पास हुआ डिस्कशन हुआ पास हुआ वोटिंग होकर सिंपल मेजोरिटी और ये पहुंचा यहाँ पर किसके पास और ध्यान रखना मनी बिल के केस में अगर कोई सोच रहा हो सर मेजोरिटी तो बताई नहीं आपने मनी बिल के केस में हमेशा सिंपल मेजोरिटी होती है चाहे लोकसभा राज्यसभा की बात करो चाहे यहाँ की बात करो तो मैं सोच रहा था कि ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आपको याद होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मुझसे यहीं मिल रहे हैं तो लो लिख दिया सिंपल मेजोरिटी कोई दिक्कत चलो अब आगे तो यहाँ से ऑर्डनरी बिल निकला और एसएलए के पास पहुँच गया है ठीक है स्टेट लेवस्टेड असेंबली के पास पहुँच गया है ऑर्डनर बिल आप बताइए क्या होगा तो भाई एक तो इनका जो प्रपोजल है हो सकता है वो एक्सेप्ट हो जाए यस वाला केस हो जाए अगर यस वाला केस हो गया तो इसका मतलब है कि गवर्नर साहब कहाँ गए गवर्नर साहब को यहाँ बुलाता है ई जी गवर्नर ऊपर चले गए थे तो अगर यस हो गया तो यस का मतलब है कि भाई सीधा बिल को पहुंचाओ यहां इस पे कराओ साइन और बनवा दो एक्ट आप कह रहे हो सर गवर्नर बहुत आसान लग रहे हैं हर जगह साइन ही साइन साँग करे जा रहे हैं टेंशन मतलब अभी उन पर भी आऊंगा उनके केस में क्या क्या हो सकता है पहले इन दोनों के रिश्ते को तो समझ लें तो एक तो हो सकता है यस तो पहला केस तो हो गया यस और बताइए क्या हो सकता है नो भी तो हो सकता है तो मान लीजिए कह दिया नो तो नो के केस में क्या होगा जी तो अगर इन्होंने कहा इन्होंने पास कर दिया और स्टेट लेवस्लेटिव असेंबली उन्होंने कर दिया नो तो मुझे बताइए कुछ ज्वाइंट सेटिंग वगैरह हो सकती है कि नहीं हो सकती है क्योंकि वहां पर जो जब पार्लियामेंट पढ़ाया था आपको तो लोकसभा राज्यसभा का रिश्ता समझाया था आपको तो वहां तो बताया था आपको कि अगर एक हाउस ने बिल भेजा पास करके दूसरे हाउस को अगर दूसरे ने कहा नो या दूसरे ने छः महीने तक अटकाए रखा तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट मे इशू एन ऑर्डर फॉर ज्वाइंट मे इशू मे वर्ड यूज किया था ठीक है ना

तो आप कहोगे कि सर कुछ बातचीत नहीं करते ये लोग कुछ रिकमेंडेशन वगैरह दे रहे हो हाँ दे सकते हैं मान लो ये कुछ अमेंडमेंट सुझा रहे हों इस बिल पे तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बिल यहाँ से पास करके एम स्टेट लजिस्टेट असेंबली के पास भेजा तीसरे केस में उन्होंने कहा कि भाई हमारी कुछ अमेंडमेंट हैं कुछ सजेशन्स हैं तो अगर सजेशन्स वाला केस होगा तो ये सजेशन जो है दोबारा इनके पास भेज दिए जाएंगे फिर ये इस पर डिस्कशन करेंगे कि माने या ना माने तो इनकी भलाई इसमें है कि भाई इनकी बात को मान लें और मान कर आगे बढ़ा दें और अगर इन्होंने वापस भेजा और इन्होंने कहा यार तुम मान नहीं रहे हमारी लो फिर नो तो नो कर देंगे तो बिल एंड हो जाएगा बात समझ में आ रही है आपको तो मुझे लग रहा है ये वाला किस्सा तो आपको हो गया क्लियर अब और सिचुएशन बनाते हैं मान लो इसी में और रिश्ते समझते हैं इनके ऑर्डिनरी बिल के केस की अब मान लो ऑर्डिनरी बिल हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया था इसके सारे केस बता दिए आपको

यस yes भी कर सकते हैं यस yes कर दिया तो भाई सर फिर तो गवर्नर के पास पहुंच जाएगा साइन एक्ट तो क्या इसको अटका भी सकते हैं मतलब इसको नो भी कर सकते हैं भाई नो, भाई नो नो अगर आप कह रहे हो तो मतलब दोनों के बीच में मतलब आपको रिकमेंडेशन के लिए भेजना पड़ेगा पीछे तो आप कहोगे सर ये बताइए अटका सकते हैं क्या जैसे कि अगर इन्होंने तीन महीने के लिए अटका दिया ध्यान रखिएगा यहां पर पार्लियामेंट वाली ज्वाइंट का कोई प्रोविजन नहीं है, है? ठीक ये हद से हद से क्या कर सकते हैं ये पहले कि मैं तीन महीने तक अटका है रखा इस बिल को तो भाई इनसे पूछा कि बता दो भाई क्या दिक्कत है, दिक्कत है।, दिक्कत है। चलो जी वापस बिल। इन्होंने फिर दोबारा इस पर सलाह मशवरा करा फिर कहा लो जी अब हम दोबारा आपके पास भेज रहे हैं माननीय एस जरा अब देखो अब ये एक महीने तक इस इसके लेकिन हो हो ज्यादा यानी तो गवर्नर के पास गवर्नर अगर कर तो जाएगा, एक्ट तो आपको पता लगा कि पहली बार में तीन महीने और फिर एक महीने टोटल तो तो चार महीने ये अटका सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि यार अगर राज को कंपेयर किया जाए तो यार राज्यसभा की मन में रेस्पेक्ट आ रही है राज्यसभा के पास के हालात कम से कम ऐसे तो नहीं थे ऑर्डिन बिल को अगले छः महीने तक अटका सकते थे और अगर अटक गया तो ज्वाइंट सिटिंग होती थी दोनों साथ बैठ कर बात करते थे और कॉन्स्टेंट असम कॉन्स्टिटेंट अमेंडमेंट बिल की बात करी करी जाए लोकसभा राज्यसभा के इसमें तो उसमें तो, उसमें तो और इज्जत बढ़ जानी चाहिए राज्यसभा के लिए आपकी कि कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा ने अगर कह दिया ना तो भाई साहब एंड हो जाता है कॉन्सटेंट अमेंडमेंट बिल तो आप कहोगे सर इसमें भी सिखा दो हमें कॉन्सटेंट अमेंडमेंट बिल क्या बात कर रहे हो आप

पचास प्रतिशत राज्यों से पास तो कराया सिंपल मेजोरिटी से लेकिन कभी भी कॉन्स्टिट्यूट बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं होता आ रही पास में ऐसा नहीं कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट को कहा है कि जी अब जो है आर्टिकल 68 की पावर का इस्तेमाल हम करेंगे आप कैसे कर लोगे आर्टिकल 68 का पावर का इस्तेमाल आर्टिकल 68 की पावर केवल पार्लियामेंट को मिली है राइट वो क्या बताती है प्रोसीजर पावर किसके केवल पार्लियामेंट के तो आई थिंक ये तो सारी बातें आपको हो गई क्लियर अब आप कहोगे सर और क्या बचा है इसमें इसका हम बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहे हैं चलो गवर्नर पे खेलते हैं अब गवर्नर क्या करेगा इस लैजिस्टेटिव प्रोसीजर में तो गवर्नर को आपने ज़्यादा सीधा मान लिया था जो भी बिल इसके पास आ रहा है वो साइन कर दे रहा है वो एक्ट बनता जा रहा है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नर अगर कह दे यस तो चलो जी बन गया एक्ट गवर्नर ने साइन कर दिए लेकिन गवर्नर जो है रिकन्सिड्रेशन के लिए भी तो भेज सकता है ऐसा भी तो हो सकता है वो लेजिसलेचर कोई कह दे स्टेट की कि भाई रिकंसिडर करो मेरी इसमें इस सलाह है तो क्या भेज सकता? सकता है बिल्कुल भेज सकता है यस राइट तो बिल्कुल भेज सकता है और इसमें भी दोनों केस जान लेते हैं मनी बिल के केस में क्या हो सकता है और ध्यान रखना मनी बिल के केस में रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा ठीक ऑर्डिनरी बिल के केस में रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है कोई रटने वाली बात है क्या ये तो वही बात है जो आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में अभी पढ़ाई थी इसी जो लोग पहली बार इस सीरीज़ में जुड़ रहे हैं अगर आप सीरीज़ में जाओगे प्ले में जाओगे तो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया आपको ये बात कि देखो मनी बिल के, के केस में रिकन्सिडरेशन की पावर नहीं दी गई वहां प्रेसिडेंट को नहीं दी गई यहाँ गवर्नर को नहीं दी गई कारण टाइम खराब मत करो मनी बिल के केस में रिकन्सिड्रेशन के लिए भेजने के लिए मनी बिल का मुद्दा ही है कि सर गवर्नमेंट को एक एक तरीके से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो सकता है कि भाई खर्चा वोट करने की परमिशन मांगना चाहती है लेजिसलेचर से जिससे कि पूरा हमारा सिस्टम फंक्शन करता है तो उसमें दिल दोल मत करो। तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हो प्रायर रिकमेंडेशन पे क्योंकि आपके ही आया है तो ना तो क्या ही करोगे ना नहीं करोगे आप क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन आपकी ही थी है ना और अगर आप के लिए भेजना चाहते हो तो ऑर्डनर बिल भेज सकते हो आप रिकंसिडरेशन के लिए लेकिन ऑर्डनर बिल वाला रिकंसिडरेशन केवल एक बार लगेगा वन टाइम इन दैट पर्टिकुलर बिल अगर दोबारा इन्होंने भेज दिया गवर्नर के पास कि गवर्नर साहब आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था लो हम तो इसी पे सहमत हैं हाँ हम नहीं बदलते तो ऐसे में देन गवर्नर इज बाउंड टू टू साइन एंड टर्न इट एक्ट और ये तो वही वाली बात है जो प्रेसिडेंट के केस में भी सस्पेंसिविटो बताई थी एक बार लगती है एक बार वापस भेज सकते हो दोबारा वापस आई तो फिर तो हाँ बोलना पड़ेगा क्लियर है बात एक इंटरेस्टिंग ट्रैप बन रहा है क्या कोई भी ऐसा केस नहीं हो सकता जिसपे मनी बिल का केस हो और गवर्नर ना बोल दे कि ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता नहीं हो तो सकता है केस कैसे अगर मान लीजिए प्रेजेंट गवर्नमेंट है मतलब मान लीजिए किसी स्टेट में और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ स्टेट लेजि काउंसिल से और गवर्नर के पास पहुंचा है तो मनी बिल है गवर्नमेंट का बिल गवर्नमेंट का बिल है जी मनी बिल है गवर्नर की प्राय रिकमेंडेशन से ही पास हुआ था लेकिन गवर्नर उस पर साइन करते उससे पहले ही सरकार गिर गई कोई अल्टरनेटिव सरकार नहीं बन रही इलेक्शन कराने पड़ गए नेक्स्ट सरकार बन के आ गई गवर्नर साहब कह रहे हैं बताओ यार इसका क्या करूं इस बिल का मेरे पास रखा है या फिर वो सरकार गिर गई जो नई सरकार बनी कुल मिला के बात है उसने कहा गवर्नर साहब उसको हानि करना उसको ना करना है तो ऐसे में गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड वाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उसको ना कर सकते हैं उस केस में क्लियर है बात तो आई थिंक लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया और केस बताते हैं इसमें क्या हो सकता है तो ये तो हमने देख लिया यस का बे देख लिया रिकन्सिड्रेशन का देख लिया ना की भी हमने बात कर ली मुद्दा ये है कि गवर्नर साहब ना एक चला और करते हैं जो चला की काफ़ी चर्चा में थी अभी मुझे लग रहा है कि केरला के गवर्नर का केस आपको याद होगा मिस्टर एफ मोहम्मद खान अभी चर्चा में थे उन्होंने केरला स्टेट लेजिस्चर के, के कुछ बिल को होल्ड पे रख लिया था है ना चर्चा में था उसी पावर की बात करें लेजिलेटिव प्रोसीजर की तो गवर्नर के पास एक और पावर है कि इनके पास जैसे ही बिल आए यहाँ से तो गवर्नर साहब उस बिल को रिजर्व कर देते हैं किसके लिए प्रेसिडेंट के लिए ठीक है रिजर्व ही कर दिया प्रेसिडेंट के लिए कहा मैं तो फैसला लूंगा ही नहीं है मेरे से ऊपर की बात है ऊपर की बात है भेज दो भाई ऊपर क्लियर है अब आप कहोगे कि सर क्या सर ये रिजर्व कर सकते हैं मनी बिल को भी क्या सर ये रिजर्व कर सकते हैं ऑर्डनरी बिल को भी दोनों को कर सकते हैं एक को कर सकते हैं बताओ ऑप्शन दे रहा हूं ओनली मनी बिल को रिजर्व करने की पावर है ओनली ऑर्डनरी बिल को रिजर्व करने की पावर है दोनों को पावर है तो आंसर है बोथ दोनों को रिजर्व कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक और जैसे ही बिल पहुंचेंगे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तो के पास मनी बिल का केस है। के पास तो भेज दिया ध्यान रखना एक बार गवर्नर साहब ने इसमें रिजर्व कर दिया तो अब गवर्नर साहब के पास से मुद्दा गया यानी वार्तालाप चलेगी वो प्रेजिडेंट ऑफिस

कोई दिक्कत बोल दिया ना या तो यस करो या नो करो सीधी बात है ना नो कर दोगे कि हो जाएगा टेंशन वाली बात नहीं है सिंपल देखिए कितना है हम चीज़ों को ऐसी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब लक्ष्मीकांत डी डी बाथरूम में हम वो टेबल देखते हैं लाइन देखते हैं लगता है पता नहीं क्या ही चीज़ पढ़ रहे हैं पॉलिटी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं बहुत ईजी है देखो ऑर्डिनेर बिल के केस में ऑर्डिन बिल के केस में साहब आप यस कर सकते हो तो ये यस कर दिया तो बन जाएगा एक्ट आपका साइन हो गया एक्ट हो गया जी प्रेजिडेंट का साइन होगा

रिकंसिड्रेशन के लिए भेजा है वापस आ गया स्टेट लेजि के पास यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के पास वापस आ गया है गवर्नर के केस में बताया था कि अगर एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और दोबारा इन्होंने वापस भेज दिया गवर्नर के लिए वो देखिए वहां पर लिखा था मैंने तो फिर गवर्नर इज बाउंड लिखा था ना देखो बाउंड फिर तो साइन करना पड़ता है लेकिन क्या इस केस में भी ऐसा है कि प्रेसिडेंट ने रिकन्सिड्रेशन के लिए भेजा एडवाइस देकर कि भाई देखो आपके बिल में मुझे दिक्कत लग रही है इसको सुलझा लो तो क्या ऐसे में जब स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा देखो हम तो नहीं सुधारते हम तो नहीं सुधारते आप इसको मानो ही मानो तो क्या प्रेजिडेंट इज ऑल्सो बाउंड तो इज नॉट बाउंड है वो आप हल्के में ले रहे हो प्रेजिडेंट को तो जो बाउंड वाला केस है एक बार का ये केवल किस पे लगता है स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर के रिलेशन पे लगता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजिडेंट का रिलेशन है तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो दोबारा आया तो प्रेजिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्चुअली एग्री ऑन वट स्टेट लेजिस्लेचर सेट मुझे बताइए कोई दिक्कत क्लियर है बात सारे लॉजिक बिल्कुल क्लियर कोई कंफ्यूजन आपको देख रहे हैं कितना इजी है सारा पोस्टमार्टम हमने इसका यहीं कर दिया है ठीक है तो ये तो हो गया भाई नॉट बाउंड आगे बढ़ते हैं कहानी को तो मनी बिल अदर बिल ये तो आपने कर लिया अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो रहा है ठीक है वो ये है वो मैं पढ़ाता हूँ जब आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ जुजडिक्शन टाइप ऑफ जुजडिक्शन में एक टॉपिक आता है आपका एपिलेट जुजडिक्शन याद है आपको आर्टिकल 143 तो क्या स्टेट का बिल जो रिजर्व किया गया है एट द लेवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज

तो ये मैं आपको आपको वहां पढ़ाता हूँ सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए बिल आया है इनके पास और प्रेजिडेंट को कन्फ्यूजन है कुछ या प्रेजिडेंट उस पर चाहते हैं कि यार इस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इस बिल की चेक कर लें तो क्या उसको रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि यार तुम बता दो अपनी सलाह कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है बिल तो आंसर है यस बिल्कुल कर सकते हैं क्या दिक्कत वाली बात है कर सकते हैं उनकी सलाह ले सकते हैं राइट अगर यूपीएससी कुछ फैक्चुअल कहने लग जाए क्या ऐसा कभी हुआ है बिल्कुल हुआ है एजुकेशन बिल सेम ऐसा ही हुआ था, था। कोर्ट से पूछते हैं ठीक है ना तो ये तो हो गई कहानी खत्म स्टेट लेजि काउंसिल बनाई लेकिन यार ये तो वीक चैम्बर है।, वीक 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 है।, है राइट तो इसको फिर बनाया ही क्यों गया तब ये बोल बचन वाली बातें हैं लेकिन बोल बचन वाली बातें भी पढ़ लेनी चाहिए यार ठीक है क्या बात है कि वीक चैम्बर है जी एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है लेजिस्टेटिव असेंबली के बाद ज़्यादा पावर उस पर डिपेंड करती है यानी कि अगर स्टेट लेजिस्टेटिव काउंसिल को हटाना हो तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास कौन करता है स्टेट लेजिलेटिव असेंबली पास करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल रेस्पॉन्सिबल होती हैं असेंबली को होंगे ही रेस्पॉसिबल क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार बनती किससे है लेजिलेटिव असेंबली में जब मेजोरिटी प्रूव होती है उससे बनती है तो भाई साहब रेस्पॉसिबल होंगी जैसे कि लोकसभा को रेस्पॉसिबल होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कि नहीं काउंसिल कैन नॉट रिजेक्ट और एम मनी बिल ये सब कहानी आपको बता चुका हूँ उसका एप्लीकेशन है बताते ना मनी बिल के, के केस में आप रिजेक्ट थोड़ा ना कर सकते हो एमेंड थोड़ ना कर सकते हो आपके पास पावर ही क्या है या तो हाँ करो चौदह दिन के लिए अटका लो राइट इवन ऑर्डनरी लेजिस्लेशन इनकी पोजिशन सबोर्डिनेट है बता दिया आपको तीन महीने प्लस एक महीना ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन है ही नहीं राइट एस एल एस पावर टू पास रेजोल्यूशन एबोल्यूशन वाला पॉइंट आपको बता दिया रेस्पॉन्सिबल चेक गवर्नर की वीटो की पावर वाले केस अभी मैंने आपको समझाए हैं बस यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं सारे केस मैंने आपको समझा दिए आसान तरीके से बिल्कुल राइट गवर्नर और प्रेसिडेंट के केस आपको बता दिए हैं अच्छा जी ऑर्डिनेंस मेकिंग की बात करते हैं सुन लीजिए बहुत ही आसान सी बात है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर

ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर का इस्तेमाल हो सकता है मतलब देखो अगर SLA और SLC और गवर्नर तीनों है जी किसी स्टेट में है ना तो अगर इनमें से कोई एक भी या तो एस एल सी एस एल एशन में नहीं है अगर केवल एस एल ए गवर्नर है उसमें एस एल ए सेशन में नहीं है जब सेशन ही नहीं चल रहा इनका और मुझे कोई बिल है उसको एक्ट बनवाना है तो जब तक मैं पास नहीं करा पाऊंगा दोनों से तो कैसे गवर्नर के पास पहुंचाऊंगा है कि नहीं तो ऐसी इस केस में क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट की वो इस बिल को डायरेक्ट लेकर जाती है कि भाई अब हमारा सहारा तो गवर्नर साहब आप हैं क्योंकि देखो ये तो सेशन में ही नहीं है फिलहाल टाइम लग जाएगा सेशन को कन्वीन करने में तो हम डायरेक्टली इस बिल को आपके पास लेकर आए हैं आपको एडवाइस देते हैं कि कृपा करके इसको प्रोमलगेट कर दीजिए एज ऑर्डिनेंस तो गवर्नर साहब कहेंगे ठीक है अंडर आर्टिकल टू वन थ्री आई एम एक्सरसाइजिंग माई पावर

तो ऐसे में आप इसको यहां से और यहाँ से पास करा दीजिए एज बिल के पास रखिए उसको एक्ट लागू कराइए तो ये वाली कंडीशन पर लागू होती है मुद्दा यह है कि ऑर्डिनेंस पर भी रिव्यू हो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है है बिल्कुल कुछ निराला है कुछ ऑर्डिनेंस की इस ऑर्डिनेसप जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कोई भी लॉ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है चाहे टेम्परे लॉ है लेकिन लॉ तो है ना एक्शनेबल तो है ना तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अब पाया गया कि आप कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू

टिव पावर ऑफ स्टेट ही आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं यानी कि ऑर्डिनेंस भी उन्हीं बिल पर लागू कर उन्हीं बिल का लागू कर सकते हैं जिसको लेजिस्लेट करने की पावर स्टेट के पास थी राइट यानी कि स्टेट लिस्ट के मुद्दे और कॉन्ट्रेंट लिस्ट के मुद्दे हीरोगिरी नहीं दिखाने की यार यूनियन लिस्ट पे चलो ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस खेलते हैं जुडिशल रिव्यू हो जाएगा उस पर ठीक है ना तो ये आपका ऑर्डिनेंस हो गया तो यही बात यहां पर बताई गई है ये सारी कहानी आपको हो गई लास्ट में आता है ये प्रिवेलेज पार्लियामेंट की प्रिवेजेस पार्लियामेंट की प्रिवेजेस तो वहाँ पर बताई दी आपको आपको स्टेट की प्रिवेजेस तो स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर के प्रवलेजेज तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी प्रिवेज होती हैं जैसे कि पार्लियामेंट के पास लोकसभा राजस्थान में होती है जी हाँ बिल्कुल वैसी प्रिवेजेस होती हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट right? तो जो स्पीकर होता है स्टेट लेजिस्टर असेंबली में वो एक्चुअली इंटरप्रेट करता है एनी लॉ और से एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट हाउस अच्छा एक इंटरेस्टिंग ट्रैप बनाते हैं यहाँ पर क्योंकि वैसे तो प्रविलेज़ हमने पार्लियामेंट में भी पढ़ते हैं दो तरह की प्रिवेजेस कलेक्टिव प्रवलेजेस और जो इंडिविजुअल प्रिवेजेस होती हैं मेंबर्स की जैसे कि 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक आप सिविल केस में अगर कोई सिविल केस में ऐसा है कि भाई आपको बुलाना पुलिस लेके जाएगी तो उसमें नहीं बुलाया जाता राइट और ज्यूरी का मेम्बर आपको नहीं कंपेल किया जाएगा वैसे हमारे यहाँ ज्यूरी का कंसेप्ट ही नहीं है अगर आपने आ, की अवमानना करी है कंटेम्प्ट किया है तो भाई लेजिस्लेचर आप पर एक्शन ले सकता है तो ये बातें तो हैं हैं। पर। पर एक इंटरेस्टिंग ट्रैप ट्रैप बनाते है। ट्रैप ये है क्या कोई हाउस जैसे स्टेट या काउंसिल अपना अपना कोई भी एक हाउस क्या अपने आप से कोई ऐसी प्रिविलेज को एक्सरसाइज कर सकता है जो उस समय तक किसी लॉ में डिफाइन ना हो तो मुझे ऐसा लगता है जब ये स्टेटमेंट आएगी तो काफी सारे बच्चे ट्रैप में आएंगे क्यों उनको लगेगा कि यार प्रिवलेज कैसे लागू हो सकती हैं कुछ रूल्स में मेंशन हो या फिर लॉ में मेंशन हो या कन्वेंशन के आधार पे हो तो कन्वेंशन का स्कोप देखते ही बच्चों को लगता है यार मतलब कि यार हाउस के पास पावर है वो प्रिवलेज को कैसे इंटरप्रेट कर दे कैसी नई प्रिवलेज को अप्लाई कर दे तो अगर आपके मन में कुछ ऐसी गफलत है तो डी डी बासू में इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट पेज पे ठीक है क्योंकि उसके बाद तो स्टेब्लिशमेंट वाला पार्ट आया था डी डी में भी और लक्ष्मीकांत में भी बताया तो हुआ है कि दीज आर द प्रिवेजेस लेकिन ये स्कोप नहीं दिया हुआ तो स्कोप जो है यहाँ पर है कि ऐसे में स्टेट लेजिलेचर अपनी आप से क्रिएट नहीं कर सकता प्रिवलेज को ठीक है ना मतलब स्टेट लेजिलेचर भी अगर प्रिवेज को एक्सरसाइज करेगा विद इन द स्कोप ऑफ नोन कन्वेंशन नोन लॉज नोन रूल प्रोसीजर उसके हिसाब से ही करेगा तो एक ट्रैप ये बनता है तो इसी के साथ और प्रिवेज में आप पनिश कर सकते हो राइट किसी को अगर प्रिवेज एम्ब्रिज हुई है कोर्ट का इसमें जिजरेक्शन नहीं होता ये तो प्रिवेज का पार्ट होता है कलेक्टिव प्रिवेज ऑफ द हाउस यानी कि अगर आप एमएलए हैं आपने हाउस के अंदर कुछ बोला है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आएगी और आपका कॉलर पकड़ लेगी चलो आप पर तो केस है नहीं हाउस के अंदर जो हुआ है तो उस वाले बात पर आप बाहर उसको ट्रायल नहीं करेंगे अगर कुछ ऐसा किया है कुछ अपमान किया है तो वो सस्पेंशन उन्हें जो करना है वो हाउस करेगा अगर कुछ कार्रवाई रिकमेंड भी करवानी है तो हाउस करेगा राइट जो कोर्ट भी उसमें दखल नहीं देगी राइट तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कोर्ट में इंटरफेयर नहीं करेगी अच्छा इसके बाद बस फिर ये फैक्ट वाला पार्ट दिया गया है जो हालांकि हमने जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम यूनियन स्टेट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर भी दिया हुआ है कि जर्नी कैसे थी कैसे कैसे, कैसे हमारे स्टेट्स बने तो इसके लिए ये बेसिक जो फैक्ट्स हैं ये डी डी बासू ने इस वाले चैप्टर के लास्ट में ऐड किए गए हैं ये ऐसे किए गए हैं ठीक है तो ये तो डेट्स हैं डेटा है तो तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में आपको स्टेट लेजिस्ेशन में कुछ कॉन्फिडेंस आ गया होगा है ना तो अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो मेंशन कीजिए वाओ तो मुझे लगता है फिर हमारा जो एफर्ट है इस वीडियो में वो जस्टिफाई हो जाएगा अगर आपको आपकी लर्निंग जो है वो मज़बूत हो गई है मैं इस पी को अपलोड कर दूंगा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में शशांक त्यागी फोर जैसे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो यू पी त्यागी लाइव लिखा जाएगा एक टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पर कर लेंगे लास्ट में आपको बता दूँ जो लोग अपनी तैयारी प्लान कर रहे हैं और स्टडी आईक्यू के साथ आप कर सकते हैं तैयारी क्योंकि अफोर्डेबल भी है क्वालिटी भी है तो आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जाएंगे मैं तरीका आपको बता देता हूं तो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक तो का एक बैच जी का पहले क्या होता था कि मतलब कोचिंग करने का मतलब होता था कि अभी हमने कोर्स कम्प्लीट किया है फिर टेस्ट सीरीज करेंगे जी फिर क्रैश कोर्स करेंगे जी इतना कन्फ्यूजन और इतना सब जो पेन होता है वो सब अब नहीं होता क्योंकि अब इस वाले कोर्स में क्या है ये सब कुछ एक ही जगह दे दिया है। मतलब हमने भी सीखा है समय से कि भाई बेस्ट से बेस्ट क्या किया जा सकता है जिससे कि रिजल्ट आए तो इस कोर्स में जो भी फीस आपको शो हो रही है लेकिन आप अगर टी वाई ए जी आई एल आई वी ई जो आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है त्यागी लाइव कोड अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी फीस लोवेस्ट हो जाती है राइट तो इसमें पूरा कोर्स आपका टाइप्ड नोट्स हैंड रिटन नोट्स प्रलिम टेस्ट सीरीज मेन्स टेस्ट सीरीज पर्सनल मैंटोरशिप मोटिवेशन आपका कि भाई आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं कोई भी आपको सपोर्ट किए पर्सनल मैंटोर मिल रहा है और आपकी इम्प्रूवमेंट हो तो आपके कोहोड बनाकर ग्रुप बनाकर जूम मंथन सेशंस भी कराए जाते हैं वीकली ज्ञानवानी सेशंस होते हैं जिससे कि आपकी पर्सनालिटी स्टार्टिंग से ही ग्रूम हो अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स एज वेल क्योंकि प्रम से लेकर इंटरव्यू तक तो का एक कोर्स है तो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए त्यागी लाइफ कोड मैंने आपको बताई दिया और जो शशांक त्यागी फोर यू टेलीग्राम ग्रुप उसमें आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं मतलब अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो शशांक त्यागी फोर यू आप कहीं भी सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल ही जाऊँगा और मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ राइट पॉलिटी आई के अलावा सो दैट इज माई फोर्टे तो पी एस ऑप्शनल का नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपको ज्वाइन करना है क्योंकि पूरा मैं ही पढ़ाता हूँ पूरे पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल बेसिक से लेके डैब तक जो आप ये इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं ना इंडियन पॉलिटी अगर पेस्ट्री है तो उसके नीचे की जो पेस्ट्री के नीचे वो ब्रेड नहीं होती क्रीम वाली वो है पॉलिटिकल साइंस जैसे कि आप डेमोक्रेसी इक्वालिटी राइट्स जस्टिस ये टर्म्स पढ़ते हैं जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं प्रयाम्बल में और अदर हमारे आर्टिकल्स में बस पॉलिटिकल साइंस में हम उन चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं और ये वाली पॉलिटी तो आप पूरा का पूरा, पूरा पेपर वन सेक्शन बी में पढ़ते हैं तो आपने मेरे साथ वहाँ पर पढ़ लिया इन डेप्थ तो पॉलिटी चाहे प्रलिम्स हो चाहे मीन्स हो अनबीटेबल हो जाएगी ठीक है दैट्स माई कमिटमेंट यू जस्ट हैव टू बी इन द क्लास एंड डू वॉट आई एम टेलिंग यू टू डू और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल काम ही कराता हूँ ज़्यादा हाईफाई टारगेट नहीं क्योंकि मुझे पता है कि छोटे छोटे जो एक्शन हैं टाइमली अगर रूटीन में हम लें तो हमारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी ठीक है और इंटरनेशनल रिलेशनस भी पी एस आई आर का एक सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो भी आपका साथ साथ तैयार हो जाएगा तो मतलब अगर आपने पी एस आई आर ऑप्शन लिया तो जो मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशनस कराऊँगा उसका मतलब है आपका प्री का आपका मेन्स का सारा आई आर तैयार हो जाएगा सो so, ये अभी लोवेस्ट में अवेलेबल है वैसे यहाँ पर त्यागी लाइव लगा के भी जो फीस आती है वो सिक्सटीन थाउजेंड आती है लेकिन अभी ऑफ चल रहा है न्यू ईयर का वो एक्सटेंशन ऑप्शनल पे मिल रहा है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन इन एंड स्टार्ट क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शनल में लेवरेज तो लेनी है ना क्योंकि ऑप्शनल में इतना स्कोर कर लो और ऐसे में स्कोर कर लो क्योंकि ऐसे में भी हेल्प करता है पी ऑप्शनल कि अगर जी एस के वन टू थ्री फोर पेपर में थोड़ा अब एवरेज मार्क्स भी हैं तो भी आपका स्कोर मेरिट में हाई जाएगा ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं ठीक है टाइम के साथ आप सीखते हो चलिए तो उम्मीद करता हूँ आज का जो एफर्ट था आपके काम आया होगा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो में जो लर्निंग्स आपको मिली इसके बारे में आपको शेयर करना चाहते हैं कमेंट्स में यू कैन डू दैट कमेंट आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड योर वर्ड्स मैटर सो सी यू नेक्स्ट टाइम